ठीक है, लास्ट सेशन का रिवीजन कर रहे थे हम लोग, तो Q1, Q2, Q3, Q4 जो लिखते हैं समझ में आ गया मीनिंग क्या होता है इसका? यस सर। Q1 कब से कब तक था? अप्रैल टू जून। अप्रैल टू जून। Q2 से क्या समझते हैं? Q2 जुलाई टू सितंबर। जुलाई टू सेप्टेम्बर, Q3 अक्टूबर टू दिसंबर। अक्टूबर टू दिसंबर, और Q4 जनवरी टू मार्च। जनवरी टू मार्च। तो तुम रिजल्ट्स के ही देखोगे ना, मतलब कुछ भी तुम न्यूज़ पढ़ोगे स्टॉक्स के बारे में, जब तुम इंटरेस्टेड हो जाओगे। दो वर्ड जनरली होता है कंपैरिजन करते हैं लोग हमेशा, YOY और दूसरा होता है QOQ। ये बस समझ जाना, ये होता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं। पहले साल में पिछले साल सेम टाइम पे कितना था उसका प्रॉफिट, कितना सेल कर रहा था, क्या कर रहा था। और एक होता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर में कितना सेल किया था, इस क्वार्टर में कितना सेल किया, इस तरीके से कंपैरिजन होता है जनरली कंपनी को। क्वार्टर कंपनी का सेल 20% ऊपर है, मतलब पहले जितना सेल किया था 20% ज़्यादा सेल कर दिया इस बार, 20% राइज हुआ या फॉल हुआ या क्या हुआ, ये चीज़ें आती हैं कंपैरिजन हमेशा। ये न्यूज़ में चलता रहता है, कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना आ रहा है, उसे फॉलो करना पड़ता है अगर शेयर्स में डायरेक्टली काम कर रहे हैं तो। म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स में करने का टाइम ये सब चेक नहीं करना पड़ता, बट अगर डायरेक्टली शेयर में खरीदना है तो ये सब फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, क्लियर है, यस सर। कोई डाउट नहीं, आप कुछ पूछना है? नो सर। देन कुछ वर्ड्स मैंने बताया था कि मार्केट मेनली तीन चार टाइप के शेयर्स से बना होता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, पेनी स्टॉक्स। तुम्हें क्या समझ में आया इसके बारे में? लार्ज कैप मतलब क्या? अगर रिस्क और रिवॉर्ड के टर्म से बात करें तो सर इसका ज़्यादा रिस्क नहीं था। लो रिस्क, और रिवॉर्ड क्या था? रिटर्न भी इसका कम ही था, कमी कुछ था, ठीक ऐसे ही था। है, तो लो रिस्क है। और रिटर्न का एक परसेंटेज नोट कर सकते हो, लेकिन लार्ज कैप में तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो 12 से लेके 15% के आसपास, 12 से 16% का रिटर्न मान सकते हो, लो रिस्क है। मिड कैप में कितना है? मीडियम रिस्क मान लेते हैं इसको। इसका रिटर्न कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो इसको 18 से 20% का रिटर्न मान सकते हैं कि इसमें आ जाएगा, 18, 20, 24, 25% तक भी आ सकता है इसमें। देन स्मॉल कैप, इसमें 30% से भी ज़्यादा रिस्क मतलब रिटर्न आ सकता है अगर प्योर स्मॉल कैप के अंदर कोई, बट बहुत हाई रिस्क है इसमें। डायरेक्ट शेयर खरीदना इसके अंदर बहुत रिस्की है, डायरेक्ट शेयर कोई अगर मतलब बिना ज़्यादा समझे खरीदना चाहता तो फिर वो लार्ज कैप में खरीद सकता है डायरेक्ट शेयर, किसी को कम समझ में आता है तो लार्ज कैप फिर भी खरीद सकते हैं। मिड कैप खरीदने को थोड़ा बहुत समझना ज़रूरी है, स्मॉल कैप डायरेक्टली नहीं खरीदना चाहिए, मतलब कोई या तो बड़े इन्वेस्टर को फॉलो कर रहे हो ठीक है, या तो कोई म्यूचुअल फंड कंपनी वगैरह को डाल दो, म्यूचुअल फंड वाले खरीदेंगे। पेनी स्टॉक से दूर रहना, बहुत छोटे शेयर हैं, बहुत छोटे कप साइज के शेयर, 1 रुपया 2 रुपये वाला शेयर, ये 1 रुपये से बढ़ के 20 रुपये का भी हो सकता है, 200 रुपये का भी हो सकता है, लेकिन 90% केस में जीरो ही होता है। इट इज़ वेरी हाईली रिस्की, जो पूरा पैसा डुबा सकता है। मैक्सिमम लोग जो लॉस में होते हैं, जो तुम सुनोगे ना कि बहुत लॉस हो गया, मार्केट में बर्बाद हो गए, वो लोग ज़्यादातर पेनी स्टॉक्स में काम करने वाले होते हैं या फ्यूचर एंड ऑप्शंस में या इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले होते हैं, बिना समझे बहुत हाई रिस्क वाला काम करते हैं तो डूब जाते हैं। बात समझ में आ गई? यस सर। तो मार्केट में जाने के टाइम कोई भी शेयर खरीदने से पहले, कुछ भी करने से पहले समझ लो कि लार्ज कैप में काम हो रहा है, मिड कैप में हो रहा है, स्मॉल कैप में हो रहा है कि पेनी स्टॉक में हो रहा है। पेनी स्टॉक से दूर रहो, स्मॉल कैप अगर करना है तो म्यूचुअल फंड के थ्रू ही करो, लार्ज कैप में इतना खतरा नहीं, कर सकती हो, ज़्यादा डरने की बात नहीं, फिर भी समझ सकते ही करना है, कुछ थोड़ा जानकारी होना चाहिए, शेयर का टेक्निकल फंडामेंटल उसे समझना ज़रूरी होता है। ठीक है, यस और उसके बारे में कुछ बात किए थे हम लोग, लेक्चर जीरो बोलते रहे उस लास्ट सेशन को हम लोग, तो दो एक्सचेंज के बारे में बात किए थे, कौन सा दो एक्सचेंज थे? सर। एक तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी, एक और
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मेरा एक वो बहुत अच्छा शेयर चल रहा है आजकल, बीएससी जो है ना, बीएससी का एक शेयर भी है, बीएससी लिमिटेड, वो मैंने कुछ टाइम पहले, साल भर पहले 400 रुपये करता था, अब ये 1300 का पहुंच चुका है, तो पैसा ट्रिपल से भी ज़्यादा कर दिया है इसमें, और डिविडेंड अच्छा देता है, डिविडेंड भी बहुत अच्छा देता है, बिना बेचे पैसे आते रहते हैं, तो काफ़ी अच्छा शेयर। बेसिकली मार्केट इज ग्रोइंग, तो मार्केट में इन्वॉल्व होना अच्छी बात है, लेकिन समझ बूझ के, मतलब तो एनालाइज करके उसके बाद। लास्ट सेशन में हम लोग तीन चार शेयर के बारे में बात कर रहे थे, तुमको क्या याद है इनके बारे में थोड़ा बताना, अच्छा शेयर है कि खराब शेयर है ये सर, थोड़ा बहुत सर याद। एमआरएफ का शेयर, हाँ एमआरएफ का शेयर देखे थे तो वो तो कुछ 1 लाख्स में था। 1 लाख में था, बहुत अच्छा, सही याद है तुमको। तो ये वन ऑफ द सबसे महंगा शेयर, मतलब अगर इंडिविजुअल मार्केट प्राइस के हिसाब से बात करेंगे तो इंडिया का सबसे ज़्यादा प्राइस वाला शेयर है ये 1 लाख। मारुति के बारे में क्या याद है, कैसा था परफॉर्मेंस मारुति का, याद नहीं है रफली कितने रेंज का शेयर था, प्राइसेस लगे रफली कितने का, इसका कुछ याद थोड़ा बहुत, सर। 9000 के आसपास इसका प्राइस, 9000 पहले था, 10000 हो गया, जिस दिन हम लोग बात कर रहे थे उस दिन 9000 समथिंग था, अभी इसका प्राइसेस 10000 क्रॉस कर चुका है। टीसीएस के बारे में थोड़ा बहुत याद, अच्छा ही खराब शेयर है टीसीएस, सर ठीक ही होगा। ये दोनों अच्छे शेयर हैं, ये तीनों ही अच्छे शेयर हैं, मारुति है मेरे, टीसीएस अच्छे शेयर में से काउंट होगा, लार्ज कैप वाले शेयर से मोस्टली, कम रिस्क और अच्छा रिटर्न देते रहते हैं। जेपी एसोसिएट कैसा शेयर था याद है कुछ इसके बारे में, आरकॉम या जेपी एसोसिएट के बारे में, रिलायंस कम्युनिकेशन, नो सर, सर रिलायंस तो ठीक ही होगा। वही तो धोखा है ये रिलायंस कम्युनिकेशन, ये 1 या 2 रुपए का शेयर था और ये बहुत फॉल होकर के नीचे पहुंचा है, और जेपी एसोसिएट भी पहले 1000 रुपये से भी ऊपर का शेयर था, फिर बाद में 8-9 रुपये का भी चल रहा था, बहुत टाइम से 4 रुपये का भी शेयर था, 3 रुपये का भी था ये कभी, तो ऐसा नहीं है, सर मतलब इन लोगों को ग्रो करने का चांसेस नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर किसी को नहीं पता, फ्यूचर किसी को भी नहीं पता कि फ्यूचर में कब क्या कब क्या हो, कुछ अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, कुछ अच्छा न्यूज़ मिल जाए, कभी कुछ न्यूज़ में आ जाए इसका नाम, पुराने प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, कुछ भी हो सकता है, मतलब किसी के साथ फ्यूचर किसी का नहीं गेस कर सकते। बेसिकली तुमने बोला कि तुम कंपनी का पोर्शन खरीद रही हो, कंपनी का फ्यूचर किसको पता है, कौन सा कंपनी कितना ग्रो करेगा, कितना खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, किसी को नहीं पता, अब डिपेंड करता है कि तुम उस पर कितना रिस्क ले सकती हो, बात समझ में आया, रिस्क लेना ज़रूरी नहीं है, तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम एफडी में पैसा रखो, आराम से कमाओ, दुकान से सामान खरीदो, कैश करो, तुम कितना रिस्क लेना चाहते हो तुम्हारी मर्जी, बिना रिस्क समझे नहीं एंटर करना है मार्केट के अंदर, पॉइंट क्लियर हुआ, किसी ने तुमको फोर्स नहीं किया कि तुम आके रिस्क लो, अगर रिस्क ले रहे हो तो रिस्क को समझ के आओ, कम रिस्क लेना है म्यूचुअल फंड के थ्रू जाओ, थोड़ा सा खुद से इन्वॉल्व होना है तो इंडेक्स को फॉलो करो, कुछ लार्ज कैप शेयर में देखो कि समझ में आ रहा है कि नहीं, मिड कैप स्मॉल कैप में करने के लिए सुनने में बहुत ग्लैमरस लगता है कि किसी ने एक शेयर 1 रुपये का खरीदा तो 1000 रुपये का हो गया, 2000 रुपये का हो गया, उसने बहुत सारे 1000 रुपये के शेयर, 1 रुपये के शेयर खरीदे थे, बहुत सारे जीरो हो गए, उसके बारे में कोई बात नहीं करता, कोई एक शेयर 1000 रुपये का हो गया तो उसकी बात करते हैं, बात समझ में आए, यस तो तुमको समझ के करना है, तुमको क्या करना है, ग्लैमरस काम नहीं करना है, जिस चीज़ की बहुत बातें होती है ना यस उससे दूर रहना, तो ये एक सेशन था, अगर तुम फिर सेंसेक्स को फॉलो करते रहना, निफ्टी सेंसेक्स को फॉलो करते रहना, ये वाली मीटिंग यहीं पे हम एंड कर लेंगे, देखना फिर तुम कुछ और पढ़ना इसके बारे में, देखना समझना, फिर शेयर्स का इंडिविजुअली कुछ थोड़ा बहुत स्टडी अगर करना चाहते हैं तो शेयर को कैसे कहाँ से स्टडी करते हैं, उसके रिजल्ट को कैसे समझते हैं, उसका स्टडी कैसे होता है, शेयर्स का दाम कैसे बढ़ता है गिरता है, बहुत चीज़ें हैं, फ्लक्चुएशंस, लार्ज कैप मिड कैप, इंडेक्स को समझना, ये सब देख सकते हैं, टेक्निकल क्या होता है, ये टेक्निकल मूवमेंट के हिसाब से क्या आजकल मोमेंटम आ रहा है शेयर के अंदर, तो उसको कैसे स्टडी करना है, राइजिंग स्टॉक, फॉलिंग स्टॉक, इंडिकेटर्स, फंडामेंटल्स, वो चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है, बताना फिर आज के लिए यहीं पर निकलते हैं।
ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके बाय।